जो व्हाइट शुगर होती है वो केमिकल फॉर्म के आगे बॉडी के अंदर जाती है। बीपी का इशू आया तो उनको आपने चीनी नहीं देनी, साथ नमक का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर किला मुश्ताक। आई एम करंट वर्किंग एट लाहौर पॉलीक्लिनिक एंड लाइफलाइन हॉस्पिटल। मुझसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल शुगर ज़्यादा अच्छी है गुड़ या शक्कर से। तो आज इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूँगी वीडियो में। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सुनना भी और फॉलो भी करना है। सबसे पहले आप कभी भी कोई डाइट वगैरह फॉलो करते हैं या डायबिटीज पेशेंट हो जाते हैं या कोई भी ऐसी डिजीज़ आती है तो एकदम से कहा जाता है कि नमक चीनी का इस्तेमाल कम करें। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके बॉडी में एक्सेस अमाउंट में जा रही होती है। अगर आप चाय पीते हैं उसमें चीनी डाल लेते हैं या चीनी को बहुत अच्छे तरीके से पका लेते हैं या खाना बनाते हैं तो खाने में नमक बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं जिसकी वजह से नमक की मकदार ज़्यादा होती है जो आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स देती है बीपी हाई होने की वजह से। तो साथ साथ आपका वेट भी गेन करने में हेल्प आउट करती है। सबसे पहले डाइट के अंदर वो चीज़ों को ऐड करें जो आपको मेनटेन कर सकें। मेनटेन मतलब एक हेल्दी लाइफ स्टाइल और फिटनेस की तरफ लेके जा सके। आर्टिफिशियल शुगर जितनी भी हैं वो सिर्फ टेम्परेरी इस्तेमाल करवाई जाती हैं जब तक वो पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उनको बीपी का इशू आ रहा है तो उनको आपने चीनी नहीं देनी, साथ नमक का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, एक टेम्परेरी होता है। उनको 3-4 मंथ के लिए उनको मना किया जाता है, बिल्कुल बंद नहीं करते हम लोग। फिर उसके बाद आता है कि आपको बाईपास हुआ हुआ है, डायबिटीज हो गई या तो आपने आर्टिफिशियल शुगर इनटेक करनी है। इनटेक कर सकते हैं लेकिन 3-4 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद आता है कि शक्कर गुड़ अच्छा है वाइट शुगर से। वाइट शुगर के अंदर ऑलमोस्ट कैलरीज कम होती हैं। 1 टेबल स्पून की बात करें तो उसमें 36 कैलरीज आपको मिलती हैं, हनी के अंदर 47 कैलरीज मिलती हैं 1 टेबल स्पून के अंदर, और गुड़ के अंदर आपको 25 कैलरीज मिलती हैं। तो सबसे अच्छा ऑर्गेनिक सोर्स कौन सा होता है हमारी डाइट के अंदर? गुड़ क्यों अच्छा होता है? गुड़ और शक्कर दोनों अच्छे हैं। जो वाइट शुगर होती है वो केमिकल फॉर्म के आगे बॉडी के अंदर जाती है, वो हम पकाते हैं बहुत बुरे तरीके से। अगर आप गुड़ लेते हैं वो पहले से प्रोसेसिंग होता है, आप डायरेक्ट उसको इनटेक कर लेते हैं। अक्सर पेशेंट को चाय के अंदर मना किया जाए, चाय में गुड़ शक्कर या चीनी का इस्तेमाल ना करें, उसे वैसे इनटेक कर लें वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आप उससे कोई कुकीज वगैरह या केक या बिस्किट लेते हैं उसके अंदर भी शुगर होती है तो आप डबल अमाउंट शुगर लेने की वजह से आपका वेट गेन होगा, बीपी हाई होगा, आपको और इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको बताई जाए वो सबसे अच्छी है गुड़। गुड़ अपनी डाइट में लें, सुनते नबी भी है कि खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करें। यह आपको ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, डाइजेशन सिस्टम को नॉर्मल करता है, आपके हार्मोन के इशू बहुत सही कर देता है। जिन लोगों को गैस के कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होते हैं वो अपनी डाइट के अंदर गुड़ का जरूर इस्तेमाल रखें तो उनका काफ़ी इशू सही हो सकते हैं। सो आपने अपनी डाइट में जब भी इस्तेमाल करें तो आप गुड़ को कम मकदार में इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं, इसको भी नहीं पकाना आपने। अगर चाय के अंदर शक्कर ऐड करना चाहते हैं तो जब पीने लगे हों तो उसमें 1/2 टीस्पून डाली और फौरन पी लिया। इसको गुड़ को शक्कर को किसी चीज़ को पकाते नहीं है क्योंकि ये पहले से प्रोसेसिंग होती है। मेरे पास मोस्टली पेशेंट यही सवाल लेकर आते हैं कि डॉक्टर के हम इसमें क्या प्लस माइनस करें, किस तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने उनकी एमएनटीज के अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनाना होता है। डाइजेशन आपको जैसे चीज़ें बताती है स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे फिर आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप उनसे मज़ीद कंसल्टेशन लेना चाहते हैं बुक योर अपॉइंटमेंट, दिए नंबर पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू।